हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इम्पैक्ट एकेडमी एडू चैनल पर। आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो जो कि वर्णमाला पर बेस है, उसमें हमने आपको बताया कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, और हमारे उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया है। उसमें करीब 3.5K व्यूज़ गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और आपको लगता होगा ये बहुत ही एक छोटा सा नंबर है, लेकिन हमारे लिए वो सब कुछ है, क्योंकि थोड़ा ही सही हम अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं और हमें बहुत ही खुशी हुई। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आगे ऐसी और वीडियोस लेकर आए। तो आज मैं आपको स्वर और उनके मात्राएँ बताने जा रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए, और ताकि आगे हम अगर इस तरह के वीडियोस बनाएं तो आप उसे देख सकें सबसे पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे कहते हैं आ, तो इसका कोई मात्रा नहीं है। इसका मतलब जो क्रॉस सिंबल मैंने दिया है, इसका कोई मात्रा नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइए, ये मत लिख दीजिएगा, इसका कोई मात्रा नहीं है। इसे कहते हैं आ, तो आ जो है इसका मात्रा ये है, ये आप देख पा रहे हो ना ये। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, किसी भी वर्ण के साथ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए, मैंने का लिया, का में आ की मात्रा लगाया, इस तरह लगाते हैं इसको, ठीक है, का आ की मात्रा का। उसके बाद आता है छोटी ई, ई जिसको हम किस तरह इसे वर्ण के साथ लगाएंगे, किसी भी वर्ण को ले लीजिए आप। सोचिए, मैंने खा लिया, इसको वर्ण के पहले लगाना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। पहले ये वर्ण हो गया, उसके पहले हम लगा देंगे खा छोटी ई, खी, है ना। और उसके बाद आता है बड़ी ई, ई जिसे कहते हैं, थोड़ा लंबा खींचिए। तो इसको इसके जो मात्रा है इसे हम वर्ण के बाद लगाएंगे। सोचिए, मैंने गा लिया, गा में बड़ी ई की मात्रा लगाया तो हो गया गी, है ना। उसी तरह ये छोटा ऊ, इसे हम कहेंगे छोटा ऊ, जिसे ऊ कहते हैं, है ना। इसका जो मात्रा है ये है, आप देख लीजिए, इसको हम किसी भी वर्ण के नीचे लगाएंगे। सोचिए, मैंने का ले लिया, का के नीचे लगा दिया, का छोटा ऊ, कू। उसके बाद आएगा बड़ा ऊ, है ना, ये इसका जो मात्रा है ये है, इसको भी हम किसी भी वर्ण के नीचे लगाएंगे। सोचिए, खा बड़ा ऊ, खू, है ना। उसके बाद आता है री, उसके बाद आता है री, ये जो री है इसका मात्रा ये है। तो मैं आपको लगा कर देखती हूँ वर्ण के साथ कैसे लगाना है। का री, क्री, है ना, इस तरह लगाना है। और ये है ए, ए के जो मात्रा है ये ऐसे है, तो इसको हम किसी भी वर्ण के ऊपर लगाते हैं, का ए की मात्रा के। उसी तरह ए के बाद आता है ऐ, ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा को भी हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं। सोचिए, मैंने खा लिया है, खा ऐ की मात्रा, खई, इस तरह लगाएंगे। बच्चों आप प्रैक्टिस करिएगा। अब आता है ओ, ओ का जो मात्रा है वो कैसे आया है, आप देख सकते हो ये जो है इसे यहाँ से लिया गया है, तो ये रहा ओ, ओ की मात्रा। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको भी वर्ण के बाद लगाते हैं। सोचिए, का ओ की मात्रा, को। उसके बाद आता है औ, औ की मात्रा, कैसे लगाएंगे हम इसको। तो खा में अगर मैंने औ की मात्रा लगा दिया तो ये बन जाता है खाऊ, ठीक है। उसी तरह औ के बाद आता है अंग, अंग जिसे हम अंग कहते हैं, इसको भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे का के ऊपर लगाया, कांगा, कम, ठीक है। उसके बाद अंत में आता है आहा, जो ये आहा है इसके मात्रा ये दो जो है आपको जैसे गोल गोल दिख रहे हैं इसे कहते हैं। अब मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ, का के साथ अगर लगाएंगे तो काहा, काहा बन गया, ठीक है। तो इस तरह आप सभी मात्राओं को वर्णों के साथ मिलाकर
लिखिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, जिससे हम बारह खड़ी कहते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको हिंदी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और अगर हाँ, एक बात बता दूँ, अगर आपको यहाँ वहाँ से थोड़ी बहुत शोर आई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत शोर है, रात दिन भर तो सारा टाइम शोर रहता है। तो इग्नोर करिए, जो मैं आपको देना चाहती हूँ उसमें फोकस करिए, और आगे इस तरह हम और भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। और बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जितने भी बच्चे हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।